नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं सिडनी के मिनी इंडिया में हूँ, जिसे हम हैरिस पार्क के नाम से जानते हैं। जो भी देसी, जो भी इंडियन यहाँ सिडनी में आता है, उसको पता है हैरिस पार्क क्या है और भारतीयों के लिए क्या खास अहमियत है। तो आज जब मैं यहाँ बैठा था, मैंने सोचा आज कुछ भारतीयों से बात की जाए जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ पर बसे हैं, जिनके दिल में तो अभी भी हिंदुस्तानी बसा है, और उनसे जाना जाए, पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं कि कौन सा भारत का अगला कप्तान होना चाहिए। क्या विराट कोहली ही कप्तान रहने चाहिए, या रहाणे ने, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें कप्तान बनना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं एक कॉफ़ी शॉप में था, तो मुझे अपने एक देसी भाई मिले, तो मैं कहा उनसे जाना जाऊँ। क्या नाम आपका? सचिन जी, सचिन। सचिन, आपको क्या लगता है कौन भारत का अगला कप्तान होना चाहिए, रहाणे या विराट कोहली ही बढ़िया रहेगा? एज माई थिंक कि भी विराट कोहली अच्छा है, क्योंकि उसे काफ़ी टाइम हो गया कप्तानी करते हुए भी, और इंडियन टीम में काफ़ी टाइम से वो कप्तानी कर रहा है ऑलरेडी। और जहाँ तक कि वो धोनी के साथ भी, मतलब जब धोनी काम करता, मतलब खेलता था उस टाइम भी वो कप्तान रह चुका है, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और मतलब रहाणे भी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि भी अगर एक मैच जीत गए हैं तो कि भी रहाणे को बना दे कप्तान, या कि भी वो रिप्लेस नहीं कर सकता विराट कोहली को। विराट कोहली ऑलवेज बी द किंग। तो विराट कोहली के बारे में सबसे खास क्या लगता है आपको, जो विराट कोहली को कप्तान बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगा? वो हर एक सिचुएशन में मतलब कि कंट्रोल करना सीखता है, मतलब उसे पता है कि भी हर सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करना है, कि भी उसे पता है हर, कि भी कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती हैं, कई बार नॉर्मल सिचुएशन भी होती है, उसे पता है कि भी किस तरह उस सिचुएशन को फेस करना है। तो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली बेस्ट है। बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी। ये आपने देखा, इनको भी लग रहा है विराट कोहली ही बेस्ट रहेगा। बाकी हम कुछ और भारतीयों से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है, रहाणे ही कप्तान होने चाहिए या विराट कोहली शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम अपने कुछ पंजाबी भाइयों से भी जानेंगे उन्हें क्या लग रहा है, विराट कोहली बेस्ट रहेगा टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैचों में या अजिंक्य रहाणे? जी, मेरे को लगता है कि फ़िलहाल तो विराट कोहली, क्योंकि द वे ही इज़ ब्रॉट अप द टीम टू दिस लेवल। अजिंक्य रहाणे इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट आई थिंक विराट कोहली शुड बी द कैप्टन। क्या खासियत है विराट कोहली की जो आपको लग रहा है विराट कोहली ही कप्तान होने चाहिए? विराट कोहली का पैशन अबाउट द गेम, हिज अग्रेशन, यू नो, ही इज़ ब्रॉट द टीम सो फार, सो आई थिंक ही शुड बी द कैप्टन। और आपको क्या लग रहा है कौन होना चाहिए कप्तान, रहाणे या अपने बॉस विराट कोहली? नहीं, मुझे भी सेम ही लग रहा है जी, क्योंकि विराट कोहली में अग्रेशन है, जैसे वो खेलता है ऐसे ना टीम को, लाइक उसी ने सिखाया है कि कैसे अग्रेशन से खेलना है, क्योंकि नाउ डेज वो ज़रूरत है एक तरह की ना, टेस्ट क्रिकेट में भी और वनडे क्रिकेट में भी, कि अग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। रहाणे तो वो तो है ही बेस्ट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कोहली, आई विल गो फॉर कोहली। आपने देखा विराट कोहली जो भारतीय टीम के शेर है, जिन्होंने इस शेरों के झुंड को खड़ा किया है, उन्हीं को लोग चाहते हैं कि कप्तान रहे टीम के, और रहाणे को भी सब पसंद करते हैं, बट जहां विराट कोहली की बात ही अलग है। मैं राहुल से जानना चाहूंगा उन्हें क्या लगता है कि भारतीय कप्तान कौन होने चाहिए। आई थिंक विराट कोहली ही रहने चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि एक ही सीरीज से आप फैसला कर सकते हो कैप्टेंसी की कैपेबिलिटीज़ का। आई थिंक विराट कोहली है, उसने बार बार प्रूव किया है ओवरसीज सॉइल पे, इंडियन सॉइल पे, ही इज़ अ गुड कैप्टन, ही इज़ अग्रेसिव। आई थिंक ये एक नए ज़माने की ज़रूरत भी है, एंड आई थिंक ही हैज़ चेंज द वे जैसे लोगों को क्रिकेट देखते थे लोग पहले, उस वो एक फिटनेस लेवल को एक आगे लेके गया है। सो आई थिंक कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आप कोहली से कैप्टेंसी छीने अभी। आई नो रहाणे हैज़ डन रियली वेल, उसने बहुत अच्छा किया है, बट सिर्फ एक सीरीज से आप किसी को नेगेट नहीं कर सकते, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, धन्यवाद। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है कौन होने चाहिए अगला कप्तान, कोहली रहने चाहिए? देखें, मेरे ख्याल से कोहली बेटर कैप्टन है, क्योंकि कैप्टनसी सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग या फील्डिंग के बेस पे आप नहीं फैसला कर सकते कौन बेटर है, राइट? कैप्टनसी इज अ ट्रेट, लीडरशिप इज अ ट्रेट। हर आदमी जो है उसमें लीड करने की काबिलियत नहीं होती है, राइट? नॉट एवरीबडी इज अ बॉर्न लीडर, और मेरे ख्याल से विराट कोहली एक बॉर्न लीडर है। विज़ोवी अजिंक्य रहाणे मैं कहूँगा, अजिंक्य इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉबर, लेकिन कैप्टनसी के लिए शायद वो अभी उस मकाम पर नहीं है जहनी तौर पर। ही कुड बी अ गुड बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप,
विराट कोहली इज डेफिनेटली अ बेटर बैट फॉर श्योर। धन्यवाद। जैसे आपने देखा इन्हें भी लग रहा है विराट कोहली के पास अग्रेशन है, एक्स फैक्टर है, स्किल है, पैशन है, फिटनेस है, जो उन्होंने प्रूव किया है कई सालों में, सिवाय एक या दो सीरीज में नहीं। हाँ, रहाणे बेहतर कप्तान है, अच्छे कप्तान है, अच्छे बल्लेबाज है, पर जो विराट कोहली अपने आप को कई सालों में प्रूव कर चुके हैं, अभी रहाणे के लिए वो सीढ़ी चढ़ना थोड़ा कठिन है। तो हमें भी यही लगता है, इन्हें भी यही लगता है कि विराट कोहली अगले कप्तान होने चाहिए। Enough. Australia will get you next time. Be careful, okay? Australia will have a young bloods, although they'll come from everywhere. We'll probably get half of India here, I think. We're going to import all these Indians to play for us. Is that correct? Maybe next year you might play better, I guess. You think so? Not this time. But well, beware of Indian bench strength. They're still very, very, very strong. One Indian origin guy, Jason Sanga, has been inducted into T20 Australian squad. I know that. He was the under-19 captain. He should be playing for Australia now. Yeah. Something's not right. He should be the next Australian captain. That's my opinion. This is Norman Kocznek, not on Eyes on Cricket with Norman Kocznek, on another channel. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.